हरतालिका तीज का पूजन व्रत कुंवारी कन्या कर सकती है, शादी होने के बाद भी नारी कर सकती है, अंतिम अवस्था तक प्राण छूटे तब तक हरतालिका तीज का व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। एक व्रत हमेशा याद रखो, एक एकादशी और एक हरतालिका। हाँ, इतना जरूर है, ज्यादा शरीर बेकार हो गया, बुढ़ापा आ गया, शरीर नहीं साथ दे रहा, तो कुछ फल खा लो, कुछ चाय दूध जूस आप लेकर कर लो। इतना भी नहीं बने, शरीर बहुत ही बेकार हो गया, तो आप एक समय फल का फलहार धारण कर लो, ठीक है। पर हरताली का व्रत करने वाली माताएं भले उद्यापन कर दे, तो उस व्रत को थोड़ा हल्का कर लो। उद्यापन करा मतलब तुमने व्रत को हल्का कर लिया, थोड़ा हल्का कर सकते। हरतालिका तीज का जो व्रत का उद्यापन करते हैं उसमें पांच चीज रखते हैं ना, पांच कपड़े स्त्री के, पांच कपड़े पुरुष के, पांच तरह का अनाज, पांच तरह का फलहार, पांच तरह का फल। तो पांच तरह का जो फल रखाता है हरतालिका तीज के उद्यापन में, दुनिया के लोग उस पांच तरह के फल को केला गिन ले, पपीता गिन ले, मौसम्बी गिन ले, और अनार गिन ले, संतरा गिन ले, सब कुछ गिन लेते हैं, पर उस पांच तरह के फल में धतूरे को नहीं गिनते। पर शिव कथा में वर्णन आता है, हरतालिका तीज के उद्यापन में लिखा हुआ है, सबसे पहले पांच फल अगर गिनना है तो उसमें पहले धतूरे को गिनो, क्योंकि शंकर को वो प्रिय होता है, शंकर उसको स्वीकार कर लेता है। और धतूरा शंकर भगवान को क्यों चढ़ाया जाता है उसका प्रसंग आपको पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं। धतूरा जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो हमारा कोई कार्य अटक रहा होता है, जिस कार्य को बार बार एग्जाम में बैठ रहे हो, बार बार परेशान हो रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहे, नहीं हो रहा। एक बार धतूरे को हृदय से, भगवान को प्रेम से, करुणा सागर मेरे शंकर को दिल से, एक बार वो धतूरा भगवान से विनती कर उसको चढ़ाओ तो सरी भगवान तुम्हारा कार्य सफल कर देगा। पर दिल से चढ़ाना, हृदय। हरतालिका तीज की पूजन करने वाले को चाहिए कि बालू का, मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए, फुलेरा जो बनाया गया है ऊपर शंकर जी के ऊपर लटकाने के लिए, टांगने के लिए, उसके नीचे शिव पार्वती गणेश जी की सुंदर बालू की मूर्ति बना लेना चाहिए, पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेना चाहिए। शिव की आराधना करना चाहिए। जो फल आपके पास में हो शंकर को समर्पित करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, आराधना करो। सबसे पहली पूजन हरतालिका तीज की प्रदोष काल के अंतर्गत हो जाना चाहिए, शाम के समय पर। प्रयास करा करो प्रदोष काल के समय पर पहली पूजन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। पर लोगों की आदत रहती है कि 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, 9 बजे तक पहली पूजन करें, फिर दूसरी आराम से, फिर तीसरी, फिर आराम से, फिर चौथी, तो ऐसा सब अपने अपने हिसाब से। पर शास्त्र रीति कहती है कि प्रदोष का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, शाम का जो समय होता है, उस समय पर हरतालिका तीज की पहली पूजन हो, जिससे आपका स्मरण चित्त शंकर भगवान में उस घड़ी, उस पल, उस क्षण में आप शिव के हो जाएं और शंकर आपका हो जाए। हाँ, अगर किसी के आने में देरी हो, कोई आ नहीं पा रहा है, बहुत देरी हो रही हो, तो हरताली का पूजन व्रत वर्णन करता है कि शिवलिंग का निर्माण, पार्वती जी की मूर्ति का निर्माण, गणेश जी का निर्माण और फुलेरा जो बनाया हुआ है, ये प्रदोष काल के पहले बंद कर तैयार हो जाना चाहिए। प्रदोष काल के अंतर्गत फुलेरा नहीं बनना, फुलेरा पहले बन जाना चाहिए। और बहुत विचित्र, बहुत विशेष बात ध्यान रखिए हरतालिका तीज की, कि शंकर जी का जो अपने स्वरूप बनाया है, पाटे में, थाली में, चौकी पर, चौरंग पर जो स्वरूप बनाया है,
वो पहले नहीं रखना है, पहले क्या बांधना है, फुलेरा। पहले फुलेरा बांधिए, उसके बाद उसके नीचे शंकर जी को रखिए। कई अब जो हरतालिका तीज का पूजन करते हैं तो उनके लिए हो गया, अब दूसरे के लिए भी सुन ले। जो नारी हरतालिका तीज का पूजन नहीं करती, व्रत नहीं करती, साधना नहीं करती, उसके लिए भी कहा गया कि आप अगर ये व्रत नहीं करते हो तो एक कार्य जरूर करना, कहीं पर फुलेरा बंधा हो, हरतालिका की पूजन हो रही हो, 5 मिनट 10 मिनट निकालकर अपने आसपास के किसी पौधे में से पत्तियां लेकर या पुष्प लेकर, 5 वृक्ष की पत्ती या 5 वृक्ष के पुष्प लेकर शंकर भगवान को जब पूजन हो रही हो, 5 मिनट माताएं जब पूजन कर रही हों, तब आप भी उस पुष्प को, उस पत्तियों को शंकर को समर्पित कर सकते हो। ये नहीं चढ़ा सकते तो 5 फल, फल नहीं चढ़ा सकते तो 5 कुछ भी पुष्प आदि का आप शिव को समर्पित कर। पर क्यों चढ़ाया जाता है, किस लिए चढ़ाना चाहिए, तो कहा कन्या स्त्री अगर मान लो हरतालिका का व्रत नहीं करती, पूजन नहीं करती, आराधना नहीं करती, तो वो कन्या, वो नारी, वो स्त्री, वो पुरुष कार्य तो बहुत करेगा, दुकान भी 4 चलाएगा, व्यापार भी बढ़ाएगा, पर संपदा को जोड़ नहीं पाएगा। 1 रुपये कमाएगा, 1.25 रुपये खर्च वाला काम चलेगा। हस्त नक्षत्र में जो तृतीया पड़ती है, हस्त नक्षत्र के अंतर्गत जो तृतीया का महत्व कहा गया है, वो संपदा को बढ़ाती है, मनोकामना को पूर्ण करती है। इस नक्षत्र के अंतर्गत जो तृतीया आती है वो मनोकामना को पूर्ण कर चली जाती है, इसलिए शिव की आराधना के लिए प्रथम मानिए। हस्त नक्षत्र में किया गया दान, हस्त नक्षत्र के अंतर्गत तृतीया के दिन किया गया पुण्य, हस्त नक्षत्र में तृतीया के दिन किया गया श्रृंगार, हस्त नक्षत्र में तृतीया के दिन करा गया अपना सुंदर सिंदूरा भगवान का आनंद, 5 तरह के वस्त्र, 5 तरह के स्त्री के वस्त्र, पुरुष के वस्त्र, 5 तरह का फल, 5 तरह का अनाज, ब्राह्मण को बुलाकर ब्राह्मणी के साथ आप या तो ब्राह्मण से उद्यापन करवाएं या फिर आप स्वयं भी करते हैं तो शिव को समर्पित करके ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराकर वो भाग प्रदान करें। यही हरतालिका तीज के उद्यापन का वर्णन आता है। सुंदर भाव से हरतालिका माता आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। हर हर महादेव। दोस्तों